इस वीडियो में हम देखें बन बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन एंड एनर्जी रिलेशनशिप इन बायोलॉजिकल सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी का फोटोन एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना और उसका रिलेशनशिप क्या होता है ये बायो एनर्जेटिक्स में स्टडी की जाती है आल ऑल द लाइफ नीड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज सच एज मेटाबोलिज्म एंड रिप्रोडक्शन ऑल द लाइफ मतलब सभी जीव जंतुओं को प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जैसे मेटाबोलिज्म एंड रिप्रोडक्शन अपन इस वीडियो में देखेंगे फोटोसेंथिसिस और रेस्पायरेशन का रिलेशनशिप क्या होता है फोटोसेंथिस ये डे टाइम में में होता है प्लांट्स एल्गी बैक्टीरिया एक्स एक्सेट्रा और रेस्पायरेशन ऑल द टाइम होती रहती है ऑल द ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस ये एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है मतलब ये सनलाइट से से एनर्जी लेके ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है जैसे सी ओ टू प्लस एस टू लाइट को कैप्चर करके ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है और ओ टू को रिलीज करती है एंड एस टू रिलीज करती है सेम ये प्रोसेसिंग रेस्पारिसिंग में होती है बट ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होती है ये जो ग्लूकोज इसमें बना है इसका इसको ब्रेक डाउन करके और ऑक्सीजन यूज करके किसी टो और एसटोर ए टी पी का फॉर्मेशन करती है ये ए टी पी हमारे जो भी प्रोसेस होती, होती है एक्टिविटीज़ होती है ऑल द जीव जंतु में उसके लिए यूज़ की जाती है तो इस ए टी पी का प्रोडक्शन के लिए फोटोशांतिशीन और एस्पायरेशन का होना आवश्यक है ये एनाबोलिक प्रोसेस होती है मतलब इसमें इनको यूज करके प्रोडक्ट का का निर्माण किया जाता है और ये कैटाबोलिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें जिस प्रोडक्ट का यूज हो निर्माण होता है उसी को यूज करके उसको ब्रेकडाउन करके ये एनर्जी रिलीज की जाती है तो ये ब्रेक डाउन करती है और ये एनाबोलिज्म मतलब निर्माण करती है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये सनलाइट से एनर्जी लेके ही सीओटो और एस टू का से मिल के फूड का फॉर्मेशन करते हैं प्लांट्स के द्वारा जबकि ये फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी का रिलीज करते हैं तो इसी वजह से अपन कहते हैं ना कि प्लांट्स के नीचे नाइट को नहीं सोना चाहिए क्यों क्योंकि डे में जो भी फोटोसिंथेसिस होती है उससे फूड का फॉर्मेशन होता है और जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो नाइट में डे के टाइम में तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ होती रहती है और नाइट को टाइम में ये क्योंकि फोटोसिंथेसिस नाइट को होता नहीं है और रेस्पायरेशन की प्रोसेस नाइट और डे को स्टार्ट रहती है तो ये ऑक्सीजन को ये ऑक्सीजन का यूज़ करके और सी टू रिलीज करता है और इंसान जब खुद उसकी रेस्पायरेशन करता है तो वो भी सी टू को रिलीज़ करता है तो सी टू की अमाउंट प्लांट्स के नीचे बढ़ जाती है जिससे इंसान को डेथ होने का खतरा रहता है इसीलिए नाइट को प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए थैंक यू